शारदा घोटाला समेत कई संगीन घोटाले के आरोपी कोयलांचल के चर्चित कोयला कारोबारी आज एक बार फिर जेल जाते जाते रह गए हैं। धनबाद के विशेष सीबीआई कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का निर्देश दिया। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेते हुए जेल ले गए, परंतु रमेश गांधी के जमानत पर रहने के कारण जेल प्रशासन ने उन्हें कस्टडी में लेने से इनकार कर दिया। बंद है मत कीजिए। तो ले जा रहे वहाँ से उधर से ही खराब कर रहे हैं। नहीं गाड़ी से जा रहे हैं, बहुत नज़दीक थे सर आप लोग गाड़ी के साथ। जी कौन से मामले में आज आपको लाया गया है? अरे आप साइड हो जाइए भाई। तकनीकी अड़चन के कारण पुलिस फिर से उन्हें कोर्ट लेकर गई और गांधी के जमानत पर रहने की जानकारी देते हुए आगे का मार्गदर्शन मांगा, जिस पर माननीय कोर्ट ने रमेश गांधी को वापस कोलकाता भेजने का निर्देश दिया। रमेश गांधी का 4-5 मामला सीबीआई का चल रहा है धनबाद में, लेकिन रमेश गांधी शारदा कांड चिटफंड वाला जो कांड हुआ था कलकत्ता में, उसमें वो एक्यूज बना तो जेल गया। अभी रिसेंटली उसका बेल हुआ। इसी बीच उड़ीसा का एक केस में, भुवनेश्वर का एक केस में, यही चीट फंड का केस में वो रिमांड हुए, उसमें अभी तक बेल नहीं हुआ है। और कोर्ट धनबाद का कोर्ट आज बुलाए थे, डेट था गवाही के लिए, डेट था सीबीआई का केस में 88 स्पेशल जेल सीबीआई, लेकिन वो जेल भेज दिए थे, वो गलत था, इसीलिए कि उसका बेल टूटा नहीं है, इसीलिए जेल नहीं रखा, जेल ऑथोरिटी उनको जेल में नहीं रखा, फिर वो रिटर्न होकर चल जा रहा है। तो सर ये इनको कहाँ से कलकत्ता से लाया गया था? यहाँ से कोर्ट धनबाद के स्पेशल जज ADJ 8 ने जेल में इंटीमेशन किए थे कि इसको प्रोड्यूस करो, उसी का ऑर्डर के तहत वो जेल से पुलिस को तो आज इनको जेल भेज दिया गया। नहीं जेल भेज दिया गया था, लेकिन रमेश गांधी का, रमेश गांधी बेल में है, इसीलिए जेल अथॉरिटी उनको रख नहीं सकता है, उनको वापस कर दिए, तो कोर्ट भी उनको ऑर्डर कर दिए कि नहीं ले जाइए, अभी रमेश गांधी को लेके वो लोग फिर कलकत्ता पुलिस ले जा रहे हैं। रमेश गांधी कौन है, धनबाद से क्या? रमेश गांधी धनबाद के मशहूर कोयला व्यवसायी थे, उनका अपना घर भी है यहाँ धनबाद में, और बहुत सा केस में उनको अभियुक्त बनाया गया था, एक इनकम टैक्स ऑफिस जलाने का भी केस है जिसमें गवाही चल रहा है। तो ये अभी धनबाद में नहीं रहते हैं? ना धनबाद में नहीं रहते, उनका कलकत्ता में ऑफिस है, लेकिन जेल में करीब 3 साल रह गए उनको। उनकी गिरफ्तारी वहीं से हुई कलकत्ता? हाँ, से गिरफ्तारी कलकत्ता से हुई थी, शारदा कांड में गिरफ्तारी हुई।